फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती, शादी करने आए फर्जी दरोगा को बरेली की लड़की ने खिलाई जेल की हवा। अब खबर विस्तार से। बनारस निवासी सत्यम त्रिपाठी नाम के व्यक्ति को बरेली की युवती से फेसबुक द्वारा दोस्ती हुई। युवक अपने आप को बनारस में हजरतगंज थाने में दरोगा बता रहा था। यह युवक शादी करने के इरादे से बरेली आ पहुँचा। लड़की को, जो कि खुद एक एडवोकेट थी, जब उसे इस दरोगा पर कुछ संदेह हुआ तो उसने बरेली की पुलिस को बुला लिया। जानकारी करने पर यह युवक फर्जी दरोगा निकला। इसके पास इसकी पुलिस की आईडी और सचिवालय की मोहर लगा वायरलेस सेट एवं 17,000 नगद कैश भी मिला। यह फर्जी व्यक्ति दरोगा की यूनिफॉर्म में था। आए हुए हैं, क्या पूरी बात है? फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, दो आई थी, अंकित सिंह थी और एक सत्यम त्रिपाठी। तो अंकित सिंह जो थी उससे मेरी बात हुई, तो वो बोलता है कि मेरे दोस्त की आईडी मैं इससे बंद कर रहा हूँ, मैं जो रियल में हूँ मैं ब्राह्मण हूँ। तो बोलता है कि आप भी मिश्रा हैं तो क्या हम शादी कर सकते हैं? हमने कहा ऐसे तो शादी नहीं कर सकते, घर आओ देख जाओ, घर वालों से मिल जाओ। हमने कहा तुम्हारी फैमिली? बोलता सब मर गए, मेरे मम्मी पापा कोई भी नहीं है, भाई बहन नहीं है, मेरे पापा सीईओ थे, कार एक्सीडेंट में मर गए वो। जब वो मर गए तो जॉब मुझे मिली है, मैं 19 बैच का हूँ, 17 पीएन था उसका। तो आज वो सुबह ही आया है, करीब 8 बजे तक आया, घर वालों से मिला। फिर हमने उससे पूछा, हमने कहा हम एडवोकेट हैं, ये बताओ कि तुम विवेचना 376 कैसे करते हो और बयान कैसे, ये सब चीज़ें कैसे लिखते हो, तुम केस डायरी कैसे बनाते हो? तो बोलता है कि एक कलम बंद करता हूँ मैं, 164 के बारे में कोई जानकारी नहीं, थाने में कौन सा होता है, कोर्ट में कौन सा, कोई जानकारी नहीं, समझ गए। तो हमने एक जानने वाले हमारे दरोगा जी हैं, उनको हमने भेजा पीएनओ वाला, इसका जो कार्ड था, हमें कार्ड, तो कार्ड तो देना नहीं चाहता, बड़ी मुश्किल से कार्ड दिया, कार्ड हमने वहाँ भेजा। हमने कहा देखिएगा ज़रा क्या ये रियल है। तो उन्होंने फिर आके इससे पूछताछ की तो उसको पकड़ लिया, उनको पकड़ के दरोगा जी थाने लेके आ गए। बस इतना ही प्रकरण। ये जो अपने आप को दरोगा बता रहे थे, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ जानकारी आपको है? ये कहाँ की नहीं कह सकती, लेकिन मुझे जो बताया वो ये है कि उन्होंने खुद को बताया कि वाराणसी का रहने वाला हूँ, थाना हजरतगंज लखनऊ में पोस्टेड हूँ और एज अ दरोगा। तो दरोगा की यूनिफॉर्म वगैरह सब सारा प्रॉपर पहन के आए हुए आपके सामने है, यू नो वायरलेस भी है। हमने बोला बस आपके पास रिवॉल्वर रहेगी वो भी लेके आते, आप अपनी वो कहाँ चली गई? वही तो मेन है आपकी ड्यूटी, वो रिवॉल्वर खोई तो आपकी जॉब गई। तो बोले वो मैं संभाल के रख के आया। तो ये आपको जब डाउट हुआ तो उसके बाद आपने दरोगा जी को बोला? हमने कहा इसका कार्ड उन्होंने व्हाट्सएप किया ही, रोक रहा था हमको करने से कि डाउट मत कीजिए पूजा ये वो है। तो हमने उनको भेजा, दो तीन दिन ही हुए थे बात किए हुए, तो उन्होंने फिर इसको आके पकड़ लिया भाई, पुलिस लाइन के सामने। ज़्यादा पुरानी आपकी मुलाकात नहीं है? अरे नहीं, 3-4 दिन ही तो हुए हैं बात किए हुए। ओके थैंक यू। सत्यम इन लोगों को हमने से लगवाया अभी तो इल्जाम लग रहे हैं उन पे। सही है भाई साहब, फर्जी पत्र लिखते हो? हेलो, फर्जी हो क्या? तो किस जगह रहते हो आप? हाँ जी, किसने, कौन सी लड़की पहना के? हाँ जी, तो तुम्हें वर्दी पहना के लाइए। अच्छा जी, कौन सी लड़की, कौन लड़की, कितने टाइम से उसमें आईडी है? आईडी कोई है? ये लड़की ने बुलाया तुमको? आपने कब इसमें कब ज्वाइन किया था पुलिस में? नहीं तो आज कहाँ से खरीदा वर्दी को? वर्दी को कहाँ से खरीदा आपने, कहाँ से दिलवाया है? साथ तो गए होगे ना आप? साथ गए थे कब? एक हफ्ते हो गए। इस पे तो एक बार प्रेस भी लगा चुके हो, एक हफ्ते हो गया? हाँ सर, वही प्रेस लगा चुके हो आप एक बार, एक हफ्ते में? एक हफ्ते में ड्रेस तो गंदी भी नहीं होती पुलिस की ड्रेस? सर धुलवा। अच्छा, ये बैच नंबर, आपका बैच नंबर बताइए इसमें। ये जो आई जे नेम प्लेट वगैरह ये कौन दिलवाया आपको? ये थी आपको, थी या नहीं थी? सर नहीं थी, अभी लगा। कहाँ है वो? सर नहीं है। और क्या है आईडी, कुछ वायरलेस वगैरह भी है यहाँ पे क्या? वो आपका आईडी कार्ड है क्या? तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट क्या है?